आप मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं और मैं आपके लिए सब कुछ हूँ, क्योंकि मैं आपकी परेशानी सुन सकता हूँ, आप मेरी परेशानी सुन सकते हैं। कुछ होने वाली फनी वीडियोस देखें, फनी कार्टून देखें, एक एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं, एक दुनिया का हर इंसान दर्द का तजुर्बा तो करता है, पर अफसोस वो किसी के दर्द को नहीं समझता। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के बारे में कि मैं मोटिवेट कैसे होता हूँ और आप लोगों को मोटिवेट कैसे करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ 10 साल की किस तरह से खुश होकर काटी या क्या क्या परेशानियाँ मेरे साथ आई। एक्चुअल में होता क्या है, लोग कहते हैं कि भाई व्हाट्सएप पे फ़ोन पे अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें इन लोगों ने छोड़ दिया। तो आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। देखिए, मुझे दिसंबर में 10 साल हो जाएंगे। अब आप लोग पूछते हैं मेरे से कि आपने 10 साल का समय कैसे काटा, आपने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोज में दिखाता रहता हूँ। दोस्तों, मेरे को 10 साल हो जाएंगे और 10 साल में मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा ये मैं जानता हूँ और आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जो जो परेशानियाँ आपके साथ में आ रही हैं वही सारी सिचुएशन मेरे साथ में थी। चाहे वो मेरी बहनें हैं, चाहे मेरे भाई हैं, चाहे मेरे बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, सबके साथ में वही परेशानी है जो मेरे साथ में है। अब मैं आपको अपने घर में खुश तो लगता हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको खुशी की दिखाता हूँ। मेरा मकसद होता है आप लोगों को भी खुश रखना। मैं किस तरह से इस परेशानी से निकल के यहाँ तक पहुँचा हूँ वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं बताऊँगा। दोस्तों, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके 15 दिन के बाद में ही मेरा सब ने साथ छोड़ दिया था। कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, वो भी कुछ टाइम बाद मेरा साथ छोड़ कर चले गए। देखिए, गलती किसी की नहीं है, गलती सिर्फ इतनी होती है कि लोगों को हकीकत पता लग जाती है। वो हम लोगों से मिलते ज़रूर हैं पर ऊपर से वो सहानुभूति के लिए मिलते हैं, 5 मिनट की सहानुभूति के लिए मिलते हैं। अगर हम उनसे कोई हेल्प मांग लेते हैं तो वो हम लोगों से कट जाते हैं। मैं भी जिस दौरान में मेरा एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले मैं बहुत अच्छा था, बहुत पैसे वाला, सब कुछ सही था, मेरी सारी दुनियादारी, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया, बिजनेस भी अच्छा था। जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके 15-20 दिन के बाद में लोगों को हकीकत पता लगने लगी कि भाई अब ये बंदा चल नहीं पाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी यही कहा था कि अब ये जिंदा नहीं रह पाएंगे, और जिंदा अगर रह भी जाते हैं बाई चांस तो ये आगे पूरी ज़िंदगी जब तक जिएंगे ऐसे ही पैरालाइज रहेंगे। तो मेरी वाइफ ने डॉक्टर से ये बात कही कि डॉक्टर साहब, आप सिर्फ इनको इतना कर दीजिए कि ये जिंदा रहें, बाकी मैं अपने आप देख लूँगी। ये मेरी वाइफ की हिम्मत वाली बात है, क्योंकि ऐसी चीज़ें सबको नहीं मिलती हैं। मेरी चीज़ पता नहीं क्या ऊपर वाले को पसंद आई हो और क्या चीज़ ना पसंद आई हो, वो मैं नहीं कह सकता। हमारे ऊपर परेशानी आती है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई गलती हमसे जाने अनजाने में ऐसी होती है जिसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते और वो गलती हमें ले डूबती है। तो सभी के साथ में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, तो हमें ये रिमाइंड करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हमसे गलती कहाँ हुई और दोबारा हमसे गलती ना हो। देखिए, सबसे बड़ी गलती इंसान के साथ यही होती है कि वो झूठ बोलता है और झूठे आदमी का साथ देता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग आज भी जिस कंडीशन में हैं, सबसे पहले आप अपने आसपास से नेगेटिव लोगों को निकाल दें। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं उनको निकाल दें। अगर कोई बंदा आपके कहने से एक बार में काम कर देता है तो आप उसको बोलिए, दो बार में कर देता है तब बोलिए, अगर 3 बार बोलना पड़ता है वो आपके काम को इग्नोर करता है तो आप उस काम को छोड़ दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए। ऊपर वाला जब आप सब्र करना सीख जाएंगे और सब्र करेंगे और अपने ऊपर वाले से मांगेंगे तो आपको ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देगा, कोई बंदा ऐसा भेज देगा आपके पास में जो आपकी सारी चीजें आसान कर देगा। उसके लिए हमें सब्र, पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, वो देखेगा कि मेरा बंदा मेरी तरफ आ रहा है और मेरे ऊपर सब्र कर रहा है और यकीन रखता है तो मैं अब उसकी मदद करूंगा। ऊपर वाला तभी मदद करता है जब आप उसकी तरफ पूरी तवज्जो से लग जाते हैं, अदरवाइज वो भी मदद नहीं करता। अब बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया, लेडीज कहती हैं कि हमें हस्बैंड ने छोड़ दिया, बहुत सारे जेंट्स कहते हैं कि हमारी वाइफ छोड़ के चली गई। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कड़वा सच है और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
देखिए अगर इस कंडीशन में आने के बाद भी अगर आपके साथ में कुछ अच्छा हो रहा है और आपकी कोई केयर कर रहा है तो आपकी केयर वो नहीं कर रहा, आपने कुछ अच्छा काम किया होगा, कोई पेशेंस रखा होगा, लाइफ में कोई अच्छा कर्म करा होगा, तभी जाके आपको वो हेल्प कर रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। देखिए 4 महीने हो गए, 5 महीने लगभग मेरी मशीन खराब है, ये मशीन मेरी एक्सरसाइज वाली 5 महीने से खराब है। आपने देखा होगा यहाँ पे वो एक्सरसाइज की जिम मशीन लगी रहती है और मैंने कम से कम 50 लोगों को अब तक बोल दिया इसको करने के लिए, पर किसी ने मेरी बात का रिस्पांस नहीं दिया और किसी ने मेरी मशीन नहीं करी। आखिरकार मुझे कल मशीन उतार के रखनी पड़ी कि अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, डस्टबिन में डाल देता हूँ, जब ऊपर वाला कोई रास्ता बनाएगा, मुझे जरूरत लगेगी तो कहीं ना कहीं से कोई बंदा आएगा और कर जाएगा। तो मैं अपनी लाइफ में वैसी बहुत सारी चीजें करता हूँ। देखिए जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके 2 साल तक मेरे को बिल्कुल भी किसी चीज का होश नहीं था, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका था। मैंने और मेरे बच्चों ने 4 बार सुसाइड करने की कोशिश करी थी, जो कि आप लोग भी कहते हैं कि हम इससे तो मर जाते, इससे तो हम मर जाए इस लाइफ से। तो देखिए लाइफ हमें ऊपर वाले ने दी है, जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है, वही हमें जिंदगी देता है, वही हमें मौत देता है, वही हमें इज्जत देता है, वही हमें जिल्लत देता है। अगर वो हमें इज्जत दे रहा है तो आप ये ना समझे कि वो आपकी वजह से मिल रही है, नहीं, आपके कुछ कर्म होंगे तो आपको इज्जत मिल रही है, आपके कुछ गलत कर्म होंगे तो आपको परेशानी मिल रही है। लेकिन मेरा रब फिर भी कहता है अगर आपने कोई गलत काम किया और उसके आप तौबा कर लेते हैं, सच्चे दिल से माफी मांग लेते हैं, किसी गलत आदमी का सहारा नहीं लेते और किसी के साथ में गलत महफिल में नहीं बैठते, तो वो आपके सारे रास्ते आसान कर देगा। 2 साल के बाद में चीजें मेरे साथ में ठीक होने लगी। लोगों ने इतना भी इंतजार नहीं किया कि ये बंदा, इसकी फिंगर भी काम नहीं करती है और इसका शरीर का कोई पार्ट काम नहीं करता है, तो ये अपने दोनों बच्चों को कैसे संभालेगा, अपना घर कैसे संभालेगा। यहाँ तक कि मेरे साथ में ऐसी ऐसी चीजें हुई, मेरे ब्लड रिलेशन वाले जो लोग हैं, मेरे अपने जो लोग हैं, मेरे अपने जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, चाहे वो मेरे माँ बाप हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे यार दोस्त हो, सब ने मेरे को ऐसा इग्नोर कर दिया, ऐसा डस्टबिन में डाल दिया। मैं रातों को दिन में रोता था, चिल्लाता था, 2 साल तक मेरी कंडीशन इतनी खराब। एक्सीडेंट से पहले मेरे को दुनिया सलाम करती थी और आज भी मैं अगर किसी को सलाम करता हूँ तो मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं देता। मैंने उसके बाद में सबर किया, मेरी वाइफ ने मुझे समझाया, हम लोग डिप्रेशन में चले गए, वीकनेस आ गई, सारा घर का मैनेजमेंट खराब हो गया, पैसे की कोई अर्निंग नहीं, कुछ नहीं। मेरे कुछ लोग ऐसे हुए जिन्हें ऊपर मैंने सबर करा तो मेरे लोग ऐसे मेरे साथ में जुड़ते चले गए जिन्होंने मेरी हेल्प करनी चालू कर दी। मैंने किसी से आज तक हेल्प नहीं मांगी, मैं सिर्फ ऊपर वाले से रात को मांगता था और सुबह को मुझे दे देता था। सेम सिचुएशन आज भी मेरे साथ यही है। दोस्तों अगर आपकी लाइफ में इस कंडीशन में आने के बाद में अगर कोई बंदा जा रहा है तो उसे जाने दो, उसे रोको मत, क्योंकि वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो। और वो खुद नहीं जा रहा, उसे ऊपर वाला चाहता है कि वो आपके पास से हट जाए, क्योंकि जब तक ऐसा बंदा नेगेटिव आपके साथ में रहेगा आपकी रिकवरी नहीं आएगी, आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे। अगर उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। सबसे ज्यादा आपने क्या ध्यान रखना है, देखिए इस कंडीशन में आके आपने खुश रहना है और खुश रहने के लिए आपने करना क्या है, कोई है खुश होने वाली फनी वीडियोज देखें, फनी कार्टून देखें, एक एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम, इस तरह से एक्सरसाइज करें। बाकी आप अपने परिवार के साथ खुश रहें, अपनी परेशानी, सबसे बड़ी बात अपनी परेशानी जो है वो किसी के साथ शेयर ना करें। आप उसके साथ भी परेशानी शेयर करें जो आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है, जो आपके एक कहने पे आपको पानी दे देता है। अगर दूसरी बार आपको पानी के लिए कहना पड़ता है तो वो आपका फिर वेलविशर्स नहीं है, आपका शुभ चिंतक नहीं है। तो उस बंदे से अपनी परेशानी शेयर करें, दूसरा अपने डॉक्टर से परेशानी शेयर करें, तीसरे नंबर पे आप अपनी परेशानी ऊपर वाले से शेयर करें। सबसे पहले आप अपने ऊपर वाले से, कोई भी परेशानी होती है, मैंने जो जो किया मैं आपके साथ में वो शेयर कर रहा हूँ। देखिए मेरे साथ में कोई भी परेशानी होती है मैं सबसे पहले उसको किसी से जाहिर नहीं होने देता, पहले मैं उसका इलाज खुद करने की कोशिश करता हूँ, ऊपर वाले से कहता हूँ। अगर मेरे साथ में कोई भी परेशानी है तो मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, चाहे मैं रो रहा हूँ चाहे मैं हंस रहा हूँ, मैं शुक्र करता हूँ, तो मेरे साथ में चीजें सारी ठीक होने लगती हैं। अब आप भी ऐसा करके देखें और अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपके साथ में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वाइफ छोड़ के चली गई, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी वाइफ छोड़ के चली गई, आप जाने दें उन्हें, कोई बात नहीं, अगर वो जा रहे हैं इसका फल भी उनको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। और अगर आपकी वाइफ को कोई उनके पेरेंट्स वगैरह लेके गए जबरदस्ती
तो वो कोई अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। देखिए ऊपर वाला जो भी लिखता है वो अच्छे के लिए लिखता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग बनाया जाता है और दिमाग बनाते टाइम पे सारी पूरी लाइफ उसकी पेट के अंदर ही लिख देता है कि इसके साथ लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटेंगी और ये क्या अच्छा करेगा क्या बुरा करेगा वो सारी वो लिख देता है। तो अगर हम उसके काम में रुकावट डालेंगे तो हमें नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर किसी को कोई छोड़ के जा रहा है तो जाने दो, आप सिर्फ हिम्मत करो, आपके साथ में इससे ज्यादा कोई परेशानी और नहीं होगी। अगर हमें ऊपर वाले ने जिंदा छोड़ा है तो कोई मकसद होगा उसका, तभी उसने हमें जिंदा छोड़ा है, वरना अब हमारे शरीर में क्या रह गया, हमारे सामान में कुछ नहीं कर सकते, दो रुपए की वैल्यू नहीं है। मैंने बहुत कठिन समय देखा, बहुत ज्यादा मेहनत करी, मैंने बहुत ज्यादा परेशानियां झेली, तब मैं यहाँ जाके पहुंचा। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं बच्चों को देख देख के रोता था, बच्चे मेरे को देख के रोते थे, मेरी वाइफ भी चुप चुप के रोती थी, क्या कर सकते हैं। पर हमारी फीलिंग किसी ने नहीं समझी, दुनिया ने सिर्फ ताने मारे, बातें मारी, एहसान जताया, इसके अलावा कुछ नहीं करा। मैंने फिर भी उन लोगों का जो भी कुछ था कर्जा मेरे ऊपर या जो भी चीजें थी मैंने सब वापस लौटा दी। आज मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी का कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में से अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को छोड़ के पूरी दुनिया का हर आदमी अपनी लाइफ से निकाल दिया। कोई जीता है जी, कोई मरता है मर, किसी को हार्ट अटैक आए, कोई मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा भी मन मैंने दिन रात रो रो के काटा है। मैं कुछ नहीं कर सकता था तो मैं इतना परेशान होता था, मेरे अपने लोगों ने मुझे इतना परेशान करा कि मैं अपने मुंह पे उल्टे सीधे चांटे मारा करता था, ऐसे खेच खेच के बड़ी तेज थी, मेरा मुंह भी सूख जाता था, क्यों मैं कुछ नहीं कर सकता था। तब मैंने इसमें सबर करना चालू करा और सबर करा तो मेरे ऊपर वाले ने मेरी तरफ ध्यान दिया। आज मेरी थोड़ी थोड़ी चीजें ठीक होने लगी, मैंने काम करना चालू करा अपना फोन पे। देखिये जिंदे आदमी को कोई 10 रुपए नहीं देता, मरे हुए को 2 रुपए तो कौन देगा। पर फिर भी ये सारी चीजें मेरे को कैसे हासिल हुई, मैंने अपने ऊपर वाले पे विश्वास पूरा करना चालू करा जो कि मैं पहले नहीं करता था। कोई भी इंसान जब तक जिंदा रहता है, जब तक सही सलामत रहता है, उसके साथ कोई परेशानी नहीं आती, वो अपने रब को याद नहीं करता और सच्चे दिल से नहीं करता। ये क्या होता है कि व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लिया, हमने कुरान पढ़ लिया, हमने नमाज पढ़ ली, हमने गीता पढ़ ली, हम इस मंदिर चले गए, हम उस चर्च में चले गए, हम वहां चले गए, इन सब चीजों से कोई चीज हासिल नहीं होगी। वो हासिल कब होगी, बुरा मत मानिएगा मेरे दोस्तों, वो चीज कब हासिल होगी, जब हम उस चीज को अपने दिल में और अपने जमीर से यूज करेंगे। जब तक किसी काम का हमारा जमीर और हमारा दिल गवाही नहीं देता, हमें वो काम नहीं करना। अगर हमारा जमीर गवाही देता है तो हम करेंगे और नहीं देता तो नहीं करेंगे। आप ऐसा अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके देखिएगा, यूज करके देखिएगा। अगर आपके साथ में कोई परेशानी आ रही है तो आप उस परेशानी को छोड़ के ये ध्यान दें कि भाई मेरे साथ में परेशानी ये आ रही है तो इसका मतलब मेरे से कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है। आप उस गलती को ढूंढें, नहीं मिलती तो आप ऊपर वाले का शुक्र करना चालू कर दें कि भगवान या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे को जिस हाल में रखा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। क्योंकि अब हम इस दुनिया में दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे, ये दुनिया की इतनी सारी चीजें, नियामत, खाने पीने की चीजें, ऐशो आराम, ये चीजें बढ़िया बढ़िया देखने को मिलती है, ये हर किसी को नहीं मिलती। कोई क्या कर सकता है जब ऊपर वाला हमारे साथ है, तो हमें ये क्या क्यों सोचना कि भाई हम ठीक होंगे नहीं होंगे, क्या होगा कैसे होगा। आप हिम्मत करें और खड़े होने की कोशिश करें, ये ना सोचें कि भाई कोई हमें क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, कोई नाराज होगा कोई नहीं नाराज होगा। आप अपने माइंड से सबसे पहले इन चीजों को निकाल दें कि भाई वो हमें ऐसा कहेगा या हम बाहर जाएंगे तो वो हमें ऐसा देखेगा तो क्या फील करेगा। किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता रत्ती भर भी आप क्या करते हैं क्या नहीं करते या कैसे हैं कैसे नहीं है। अगर गलती से कोई बंदा आपके सामने आ भी जाता है तो 5 मिनट की सहानुभूति देगा, आपके सर पे हाथ फेरेगा, हाथों पे हाथ लगाएगा, है ना, और क्या करेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, वो आपकी मदद तो कर नहीं सकता। अगर आप फिर भी किसी से पीछा नहीं छुटा सकते तो आप सीधा सा एक क्वेश्चन रखिए उससे कि भाई मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है तो आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए। वो आपको 10,000 रुपए दे देता है तब समझ लीजिए वो आपका करीबी है, और अगर आपको वो 10,000 रुपए नहीं देता तो समझ लीजिए वो आपका सुचिंतक नहीं है, वो तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करता है। दोस्तों देखिए मेरे साथ में आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मेरे को कोई भी काम कराना पड़ता है, अगर उस काम के करने के कोई 50 रुपए मांगता है तो मुझे 100 रुपए देने पड़ते हैं तब जाके मेरा काम होता है। इंसान की फीलिंग इतनी खत्म हो चुकी है बहुत ज्यादा, वो किसी की कोई केयर नहीं करता ना किसी के बारे में कोई सोचता।
कोई भी नहीं सोचता किसी के बारे में कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, या ये बंदा कैसे जिएगा या कैसे मरेगा क्या करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बाई चांस अगर हम लोग मर जाते हैं दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, हाँ भाई इसे लेके चलो, आदमी इस कंडीशन में डेली बाहर जाए व्हीलचेयर पे घूमे। आपने मेरा घर भी देखा है, छोटा सा घर है। मैं आप लोग कहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपकी व्हीलचेयर बेकार है दूसरे लिए, भाई मैं व्हीलचेयर लेके करूंगा क्या, मैं 10-5 हजार रुपए खराब करूंगा व्हीलचेयर लेके। मेरा जब घर का स्पेस ही इतना नहीं है कि मैं उस व्हीलचेयर को अपने हाथों से ऐसे करके चला लूं, मैं चला सकता हूं पर कहां चलाऊंगा, पलंग से यहां पे सिर्फ इतना ही चलाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं चला सकता। ये चीज लोगों को नहीं दिखाई देती, या मेरे घर वालों को या मेरे रिश्तेदारों को या मेरे माँ बाप को या मेरे बहन भाई को, किसी को ये चीज दिखाई नहीं देती, सबको दिखाई देती है। पर कोई भी बंदा हेल्प करने के लिए तैयार नहीं रहता। वो तब हेल्प करेगा जब उसके साथ में ये परेशानियां होंगी, तब उसको एहसास होगा, तो वो रात दिन अल्लाह भगवान करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। और जब तक समय निकल चुका होगा, देखिए जब मैं ठीक था दोस्तों, मैं दुनिया को घुमाया करता था, मेरा गाड़ी घोड़ा मकान सब बिक गया, मैं सबको घुमाया करता था। आज 10 साल हो गए मेरे को कोई एक बार भी पार्क तक लेके नहीं गया मेरे आसपास कहीं घर के पार्क को। मुझे नीचे उतरने के लिए भी लोगों को 10-20-50 रुपए देने पड़ते हैं, तब मैं नीचे उतरता हूँ। मुझे कहीं जाना पड़ता है, 2000 की गाड़ी बुलानी पड़ती है, तब मैं कहीं जाता हूँ। उससे पहले मैं नहीं जा पाता, 4-4 महीने तक मैं एक कमरे में सड़ता रहता हूँ। किसी को ये इस चीज का एहसास नहीं है कि भाई ये बंदा 4 महीने तक घर में रहता है तो कैसे रहता होगा, दीवारें कमरे पंखा टीवी यही देखता है और क्या देखता है, कुछ नहीं। तो दोस्तों मैंने पेशेंस रखा, सबर किया, मैंने अपनी परेशानी किसी से जाहिर नहीं करी, आप लोगों से जाहिर नहीं करता। मेरे साथ में परेशानियां होती हैं, मैं उनको अपने आप किसी न किसी तरह चीजों को मेंटेन करता हूं, ऊपर वाले से दुआ करता हूं और अपने लिए मांगता हूं, अपने दोस्तों के लिए, अपने यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स के लिए। अब मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं और मैं आपके लिए सब कुछ हूं, क्योंकि मैं आपकी परेशानी सुन सकता हूं, आप मेरी परेशानी सुन सकते हैं और हमारी परेशानी कोई नहीं समझेगा। आप सबसे पहले नेगेटिव लोगों को मेरी बात मानकर अपनी लाइफ से निकाल दें, सबके नंबर डिलीट करें, सबके ब्लॉक करें, किसी से मदद ना मांगे, मदद मांगे सिर्फ अपने ऊपर वाले से और किसी से मदद ना मांगे। जो करता है उसको करने दीजिए, जो जिएगा मरेगा अपने लिए उसका, चाहे वो कितना भी आपका अजीज है, चाहे आपकी माँ है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आपका भाई है, अगर उसने आपका दिल दुखाया और आपको परेशान करा तो वो बहुत ही ज्यादा अजाब में मुब्तला है, उसको बहुत खतरनाक अजाब मिलेगा ऊपर वाले की तरफ से। क्योंकि औरत का तो मुझे पता नहीं, औरत की तो गुप्त वाली लगती है, और इंसान अगर आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आदमी इस कंडीशन में आकर रोता है तो समझ लीजिए एक एक आंसू की कीमत इतनी खतरनाक होती है कि उसको परेशान करने वाला आदमी जब तक बचा है जिस दिन वो पकड़ाएगी वो इतना परेशान हो जाएगा वो मौत मांगेगा, मौत नहीं मिलेगी उसको। तो दोस्तों मेरी मोटिवेशन वीडियो बनाने का आज का रीजन सिर्फ यही था कि आप लोग पूछते हैं कि आप इतने पैसे वाले हैं, आप इतना खुश कैसे रखते हैं। देखिए ना ही मैं पैसे वाला हूं और ना ही मैं सारी चीजें कहीं से अरेंज करता हूं और ना ही मेरे को किसी की हेल्प है, मैं सिर्फ अपने ऊपर वाले में विश्वास करता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाला कोई नहीं होता, आप ऐसी सोच ना रखें, अगर आप ऐसी सोच रखेंगे तो और ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे। आप सिर्फ अपने रब से मांगें, जिसको भी मानते हैं आप उसको मानें और उससे अपनी चीजें आसान करने के लिए कहें, वो आपकी चीजें आसान कर देगा। मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हेल्प के लिए वीडियो बना दिया करें कि हमारे जैसे पेशेंटों की हेल्प कर दें। मैं क्यों बोलूं किसी से, जिसको ऊपर वाले ने भेजना होगा हमारी जैसी लोगों की मदद करने के लिए, वो अपने आप भेज देगा, कहीं ना कहीं से रास्ता बना देगा। एक्सरसाइज ज्यादा मत किया करें, उससे उल्टा बॉडी में रिएक्शन पड़ता है। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, इतना करता हूँ। नॉर्मल खाना खाता हूँ, नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, बस मैं नेगेटिव लोगों से दूर रहता हूँ। और दोस्तों काम धंधे के लिए जैसे आप लोग पूछते हैं आप क्या काम करते हैं, हमारे जैसे पेशेंट्स के लिए कोई काम हो, देखिए आप सबसे पहले उसी काम पे फोकस करें जो आप पहले करते थे। आप जो भी काम पहले करते थे उसी में अपनी गुडविल बनाइए, लोगों से ऐसा अपना विचार बनाइए, ऐसी बातें करिए कि लोग आपसे इंस्पायर हो जाएं और आपको काम देने लगे। मानता हूँ 10 हजार का काम नहीं देंगे, 2 हजार का देंगे, 1 हजार का देंगे, कुछ तो अर्निंग होगी। मैं भी वही करता हूँ, मैं पहले जो काम करता था मुझे पहले करोड़ों के काम मिलते थे, अब मुझे हजारों के काम मिलते हैं, फर्क से सीखना। अब मैं अपनी जीवन यात्रा, अपना लाइफ स्टाइल सब चेंज कर चुका हूँ, जैसे था वैसे मेंटेन करता हूँ चीज़ों को और मैं खुश रहता हूँ अपनी लाइफ में और हैप्पी रहता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह खुश रहें और मस्त रहें, बिल्कुल कोई किसी चीज़ की टेंशन ना लें।
अपने आप में जो परेशानियां अपनी बॉडी में आ रही हैं उन चीजों को सिर्फ मेंटेन करने की कोशिश करें, बॉडी के अंदर क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है और क्यों आ रहा है और कब कब आ रहा है उसके ऊपर काम ज्यादा करें, एक्सरसाइज पर फोकस करें और खुश रहें, और अपने केयर एंड टेकर का ध्यान रखें, खाना खाएं, एक्सरसाइज ज्यादा करें। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर लिया करें, घंटी को ऑल कर लिया करें। बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा और फिर वो लोग पूछते हैं कि वीडियो नहीं आई, तो वीडियो तो रेगुलर संडे और वेडनेसडे आती है शाम को 6 बजे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ऑल कर लिया करें। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो नई एक्टिविटी के साथ में नेक्स्ट संडे या उससे पहले। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।